अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से शुरू हो रहा है। अयोध्या में आज भव्य श्री राम मंदिर का नक्शा पास किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बोर्ड की आज अहम बैठक होगी। राम मंदिर के निर्माण और पूरे परिसर के नक्शे को लेकर मंथन किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में मंदिर निर्माण की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज का दिन काफी अहम, राम मंदिर निर्माण से जुड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर के नक्शे को लेकर आज मंथन होगा। राम मंदिर के नक्शे को आज फाइनलाइज किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस नक्शे को पास किया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी, जिसके बाद अब जोर शोर से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। मंदिर का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से मंदिर का निर्माण होगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर नक्शा तैयार किया गया है और इस नक्शे को लेकर आज ट्रस्ट की बैठक में अहम निर्णय लिया जाएगा। नक्शे को पास किया जाएगा, जिसके बाद मंदिर निर्माण कार्य में तेजी आएगी। अयोध्या राम मंदिर के नक्शे को लेकर आज अहम बैठक। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में नक्शे को पास किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर नक्शा तैयार किया गया है और उसी नक्शे को आज पास किया जाएगा। मेरे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लखनऊ से अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है, आज नक्शे को लेकर मंथन होने वाला है बैठक में? अमरीश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से अमरीश से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है, नक्शा पास किया जाएगा, आज अहम बैठक है? जी आशीष, बता दूं आपको, अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव रवीर प्रताप सिंह के मुताबिक आज 2 सितंबर को बुलाई गई विकास प्राधिकरण की बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास हो जाएगा। जी रवीर प्रताप सिंह के मुताबिक 70 एकड़ के बड़े क्षेत्र का नक्शा पास करने का अधिकार जो है वो अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड को ही है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आयकर की APG धारा में पंजीकृत है। ऐसे में मंदिर के नक्शे में लगने वाले विकास शुल्क में 35% की छूट मिलेगी। यह शुल्क 472 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लिया जाएगा। इस छूट के लाभ से ट्रस्ट का विकास शुल्क में काफी राहत मिलने जा रही है। जी इसके अलावा जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी है प्रकाश गुप्ता, उनके मुताबिक राम मंदिर के 5 एकड़ क्षेत्र से सटे जर्जर मंदिर को चिराकर साफ भी कराया जा रहा है। L&T की मशीनें मंदिर परिसर तक पहुंच चुकी हैं, 1-2 दिन में और मशीनें भी पहुंच जाएंगी। ऐसे में मंदिर की नींव की खुदाई कर पिलर खड़ा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें अब देर नहीं की जाएगी क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये प्रोजेक्ट है। इसके लिए सभी की निगाहें हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर चुके हैं, अब मुख्यमंत्री योगी भी हर दिन इसका एक रिव्यू कर रहे हैं कि कहां तक पहुंचा है प्रोजेक्ट और अभी जी बिल्कुल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज बैठक होगी, जिसमें राम मंदिर के नक्शे को लेकर के मंथन किया जाएगा। क्या इसमें कुछ चेंजेज किए जा रहे हैं? जी अभी तक की जो हमारी LDA के जो सचिव है उनके मुताबिक जो भी राम मंदिर का नक्शा है वो 70 एकड़ की भूमि में
जो भी चीजें अभी बन रही है, इसमें इसके अलावा मानचित्र के साथ अग्निशमन, उद्यान विभाग, लीगल विभाग, वन विभाग समेत 9 विभागों से एनओसी के लिए किए गए आवेदन की कॉपी भी जमा की गई है। इसके अलावा प्रकाश गुप्ता जो कि कार्यालय प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा मंदिर का निर्माण करने के लिए तो नक्शा पास कराना ही है, अलग अलग विभागों से एनओसी लेनी ही पड़ती है। इसके लिए इस तरह की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आज की जो मीटिंग है वो फाइनलाइज की गई है। ऑफिस आज के दिन सारे खुले हैं, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सारे विभाग जो भी 9 विभाग हैं उनके प्रत्यक्ष अधिकारी आज की मीटिंग में। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता अमरीश सिंह जानकारी दे रहे थे नक्शे को लेकर। राम मंदिर के लिए नक्शा पास किया जा रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस नक्शे को पास किया जाएगा।